मेरे YouTube चैनल उषा ब्लॉग्स में। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी कामरा माता का प्रसाद यानी कि बीरुड़े। इसे हम नमकीन बनाते हैं, मीठा नहीं बनाते हैं। प्रसाद तो हम नमकीन वो बनाते हैं मीठा, लेकिन इसे नमकीन बनाते हैं। और इसमें लहसुन प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, कि हमारे पास पानी नहीं डालते क्योंकि ये दाल होती है, फिर दाल जैसी मानी जाती है अगर पानी डालें तो फिर हम इसे हम सूखा ही बनाते हैं, मतलब थोड़ा जो इसमें धोते समय जो पानी आता है उसी से ये पक जाते हैं। या आप जिनको मतलब सूट नहीं होता है, इसमें कलू आलू भी होते हैं मटर की तरह होते हैं, तो आप पकाने के लिए हल्का सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन रसदार नहीं बननी चाहिए। तो फिर इसे सूखा प्रसाद बनाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, बहुत पौष्टिक होता है ये प्रसाद होता है, और ये शरीर के लिए बहुत लाभप्रद है। ये स्प्राउट्स के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं क्योंकि इसमें 5 प्रकार के या 7 प्रकार के अनाज मिक्स होते हैं और मलाई के रसदार नहीं बनाते हमारे यहाँ, और पकाने के लिए कोई डाल सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। और ये दूसरे दिन सुबह का दिखा रही हूँ मैं आपको, 8वें के दूसरे दिन का, आप अपने वहाँ डोली के मकान का। ये देखिए, 2 दिए जला रखे हैं मैंने, एक दिया मैंने अपने मंदिर में जला रखा है, एक कामरा देवी के नाम का जला रखा है, क्योंकि और बार तो व्रत तोड़ने के लिए हम ऊपर जाते थे जहाँ मतलब जिसमें गौरा महेश्वर रखते हैं, लेकिन वहाँ जलाते थे दिया, लेकिन इस बार मैंने यहीं जलाया दिया, अपने घर में ही जलाया उनके नाम का। ये देखिए, ये 5 प्रकार के दाने मैं चख रही हूँ, वही बीरुड़ों में से जो बीरुड़े हम प्रसाद के लिए भिगाते हैं, जो मैंने यहाँ भिगाने के लिए दी थी उन्होंने दे दिए थे थोड़ा थोड़ा मुझे, तो फिर बची हुई इधर ले आई थी। उनमें से जो 5 प्रकार का अनाज से गहत मांस और कलू वगैरह था, उनमें से एक एक जैसे एक मांस एक कलू ऐसे करके हम खा के फिर व्रत पूरा करते हैं। ये देखिए, ये जो मैं धागा दिखा रही हूँ हाथ में, जो मैंने दिखाया था इसे सप्तमी कहते हैं, और जो गले में दिखा रही हूँ मैं इसे दूध धागा कहते हैं। जो सप्तमी है वो 7वें के दिन हम बांधते हैं, और जो दूध धागा है वो फिर आज जैसे ये नहा धो के दिया बत्ती करके जो 5 प्रकार का अनाज खा के फिर व्रत पूरा करके उसके बाद बांधते हैं, फिर उसके बाद हम नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। व्रत पूरा हो गया, फिर चाय पी ली थी मैंने, नाश्ता वगैरह करके फिर हम लोग आगासनी की तरफ। देखिए, ये हमारा पांथे का धारा है ये, और ये आगे साइड भी 2 नल हैं, इधर भी है धारा, और ये देखिए ये रास्ता हमारा हम जा रहे हैं। अब ये देखिए, इसी रास्ते से पहले हम जब गाड़ी वाले रास्ते में आए थे तभी भी इसी रास्ते से आए थे दोस्तों। ये देखिए, ये जो रास्ता है इससे 2 रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता नीचे की तरफ को निकलता है यहाँ से नीचे की तरफ, एक रास्ता ऊपर को, ऊपर वाला गाड़ी का है, और ये जहाँ से हम आ रहे हैं ये पैदल रास्ता है डोली का, ये सीधे नीचे ढलान की तरफ जाता है, थोड़ा नीचे तक इसमें ढलानियाँ आती है, और ये थोड़ा नीचे तक ऐसे ही ढलान में चलता है, और उसके बाद फिर प्लेन रास्ता आ जाता है थोड़ा, और वो ऐसे करके फिर नीचे को आपको मैंने पूरा रास्ता दिखाया था, जैसे हम ऊपर को आए थे वैसे फिर नीचे को ऐसे उसी रास्ते से हम नीचे गौड़ियार की रोड तक जाते हैं, फिर वहीं से हमें गाड़ी पकड़नी पड़ती है। गाड़ी पकड़ के फिर हम लोग आ गए थे यहाँ कासनी, फिर हमने बीरुड़े बनाए थे फ्रेंड्स, का प्रसाद किया था, मेरी सास ने बना रखे थे हमारे आने तक यहाँ के हमारे बीरुड़े। उसके बाद फिर मैंने दूसरे दिन मतलब कासनी आने के दूसरे दिन फिर मैंने बनाए थे। कैसे बनाए थे वो बताऊँगी मैं आपको फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़े प्राकृतिक वातावरण का सुंदरता का भी आनंद लीजिए, फिर हमारे वहाँ के बीरुड़े कैसे बनाते हैं उसका भी स्वाद आप लोग चखिए। जो 8वें के व्रत में मैं बोल रही थी कि हम लोग अग्नि पाक नहीं खाते हैं, तो उस दिन हम लोग जैसे दही के लिए छाछ के लिए या रायता, लेकिन हल्दी नहीं डालनी पड़ती क्योंकि हल्दी पकी होती है, कच्ची हल्दी आप डाल सकते हैं, और फल फ्रूट ऐसी चीज़ें खाते हैं, बशर्ते जो छाछ और दही है वो उबले दूध की ना बनी हो, ऐसे करके व्रत पूरा होता है। और जिनका जो अग्निपाक खाते हैं वो तो चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हैं, फिर दूसरे दिन से शुरू हो जाता है हमारा, तो फल फ्रूट खा लेते हैं, लेकिन बिना चाय के फिर थोड़ा ज़्यादा ही कष्टकारी लगता है ये व्रत, क्योंकि चाय वगैरह दूध वगैरह कुछ नहीं पीना हुआ, पर शाम को भी रोटी सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं, तो हम मैं तो रायता ही खाती हूँ, मतलब ककड़िया खीरा का, बिना मतलब कच्ची हल्दी डाल के या बिना हल्दी के। अब बीरुड़े बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता, इसमें मैंने हरी मिर्च लहसुन मतलब लहसुन भी थोड़ा ज़्यादा ही मैंने लिया है, और जो धनिया है खड़ा धनिया और जीरा, खड़ा धनिया जीरा लेके मैं पीस रही हूँ, और उसमें मैंने 2-4 दाने लौंग के और इलायची भी
पीस लिए। इलायची आप वो दोनों टाइप कोई भी ले सकते हैं, या वाइट या काली। तो फिर ये बनाने की, अब तेल डाल दिया है कढ़ाई में मैंने, तेल को होने देते हैं क्योंकि ये कड़वा तेल है, थोड़ा स्मेल करता है, तो अच्छे से होने दें इसे। आप करके मैंने 5-6 पानी धो दिए हैं, पिछले दिन पहले तो 22 पानी धोए थे, 1-2 दिन पहले। ये मेरे सास ने भी बना दिए थे, जो 8 के दिन हम आए थे उस दिन, तो फिर मेरे सास ने बना दिए थे हमारे लिए, तो फिर उस दिन तो फिर मैंने नहीं बनाए, फिर मेरी मम्मी ने भी बना के भी दिए और बनाने भी दिए, तो कच्चे भी और पका के भी दोनों टाइप के बिरुड़े दिए। 8 के दूसरे दिन तो जो मेरी सास ने बनाए थे वो मैंने फिर फ्रिज में रख दिए थे, उसके बाद उनमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैंने 5-6 पानी धोए। और देखिए फ्रेंड्स, ये अभी तेल हो गया है और इसमें मैंने ये काली, ये जीरा और राई का तड़का डाल दिया है। ये तड़का होने दे थोड़ा देर, जीरे को थोड़ा ब्राउन होने देते हैं, थोड़ा देर होने दीजिए तड़के को। जब जीरा चटकने लगेगा तो उस समय फिर हम प्याज का तड़का डालेंगे। अब जैसे ये तड़का चटकने लगा, तड़का तड़कने लगा, तो हमने इसमें प्याज डाल दिया है। इसमें प्याज, इसको प्याज को खोल देंगे। अब हम इसको चलाते रहें प्याज को। देखिए ये प्याज होने दें, और कढ़ाई में ही पकाया जाता है इसको, कुकर में भी कोई पका सकते हैं, लेकिन कुकर में भी इसे झूठा माना जाता है, क्योंकि कुकर में भी मतलब पके दाल के जैसा माना जाता है, लेकिन अगर आप रसदार नहीं बनाएंगे, सूखा बनाएंगे, तो इसमें जो पानी धोते समय आता है उसे बिल्कुल अच्छे से निथारे नहीं, और थोड़ा तो निथारना ही पड़ेगा, तो फिर उस समय आप उसी पानी से भी ये सिर्फ भाप में पका सकते हैं, या थोड़ा जरूरत के अनुसार आधा गिलास या थोड़ा कम ज़्यादा पानी आप डाल सकते हैं। ये प्याज को आप अच्छे से होने दें, नहीं तो कढ़ाई में भी आप ऐसे ही पकाएं, और इसी पानी से जो इसमें धोते समय रह जाता है उसी पानी से, मतलब जो निथरे हुए पानी से आप पका सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा अपनी ज़रूरत के अनुसार डाल सकते हैं। जिसको सूट नहीं होता है, मतलब जैसे जिसको कलू वगैरह से अगर कच्चे हों तो गैस्ट्रिक हो जाती है, वो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो ये प्रसाद है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होता है और बहुत ही टेस्टी होता है, अच्छे से पच भी जाता है और सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक है। ये देखिए इसमें मैंने जो पिसा हुआ था वो मसाला भी डाल दिया है। इसको अच्छे से भून दीजिए, क्योंकि कोई लोग स्मेल मानते हैं लहसुन की भी, जो बता रही थी कि गौरा माता का प्रसाद माना जाता है। कभी पचने में दिक्कत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके जो भी शरीर की जो दिक्कतें होंगी वो दूर हो जाती हैं, और आपका से मतलब आपके शरीर में जो भी रोग व्याध होते हैं वो दूर माने जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो बहुत पौष्टिक हुआ, क्योंकि इसमें 5 प्रकार के अनाज 2-3 दिन तक भिगा के बनाए जाते हैं, तो इसे अच्छे से अंकुरण होने देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, स्प्राउट्स की तरह भी ले सकते हैं आप इसको। अभी ये जो मैंने डाला है ये काली मिर्च है, और ये नमक भी डाल दिया मैंने, और आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। अब इसमें मैंने हल्दी भी डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप, अच्छे से मसाला मिक्स कर लीजिए। आप इसमें चाहते हैं तो सब्जी मसाला भी मिला सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। देखिए मसाला को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसमें मैंने ये मिला दिया है जो हमारी बिरुड़े हैं, और इसमें मेरे को हल्का थोड़ा ज़्यादा पानी लग रहा है, इसको थोड़ा और अच्छे से निथारना चाहता, मतलब बिल्कुल अच्छे से भी नहीं तो थोड़ा तो निथारना चाहता, इसमें थोड़ा ज़्यादा कम निथरा पानी, मतलब थोड़ा कमी रह गई इसमें। और देखिए ये, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलता ही है और ये अच्छे से पक जाएगा। इसमें मैंने मैगी मसाला है मैजिक डाला फ्रेंड्स, अब इसको हम ढक के पका लेते हैं। अब थोड़ा देर बिल्कुल सीम आंच में 10-15 मिनट तो आपको इसको ढक के पकाना ही पड़ेगा, और बीच बीच में चेक कर लीजिए आप, बीच बीच में चेक किया था मैंने, और पकते समय ये देखिए ऐसे भी मैंने दबा के देखा, जब वो अच्छे से दबने लग जाएगा, जैसे मतलब आसानी से पिचकने लग जाएंगे दाल के दाने, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि वो पक गया है। और ये देखिए ये मैंने अपनी सास के लिए पूट रही हूँ ये, क्योंकि कभी कभी तो वो ऐसे ही तो चूस के खा लेती हैं ये बिरुड़े, नहीं तो कभी कभी मैं ऐसे पीस के दे देती हूँ उन्हें। ये एक तो गौरा माता का प्रसाद होता है, फिर सभी खाते हैं कोई नई चीज़ तो हर एक किसी का मन आता है, कभी कभी तो ऐसे चूस लेती हैं रख के थोड़ी देर में, मतलब ऐसे नहीं लेती, लेकिन वैसे स्वाद नहीं आ पाता है, तो ऐसे मैं
पीस के वो कर लेती हूँ। जिनके दांत नहीं हो, मतलब आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, उनके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, या खुद के भी पौधों के दांत थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं कमीज़ में ही, वो भी ऐसे ही वो कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें थोड़ा अच्छे से ना चबाने में दिक्कत होता है, फिर वो पेट मतलब पेट में भी किसी के मतलब दिक्कत करती है, अच्छे से चबे नहीं हो तो खाना कोई भी खाना दिक्कत करता है, फिर ये तो थोड़ा थोड़ा सख्त टाइप के होते हैं। इन्हें आप ऐसे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, बिना गमरा के भी तीन चार प्रकार की दालें भिगा के, या जिनके वहाँ गौरा का त्यौहार नहीं होता है वो भी बना सकते हैं एक स्प्राउट्स के रूप में। हो गया, देखिए ये ऐसे खाते हैं हम इन्हें बिरड़ों को। ये मैंने बिरड़े भी ले रखे हैं, और प्याज काट रखी है एक, और उसमें हरी मिर्ची ले रखी है, और साथ में ककड़ी का रायता है। ककड़ी का रायता ऐसे ही बनाते हैं जैसे कि खीरे का रायता बनाते हैं। तो आप मैं अब और लोगों ने सब ने खा लिया है, तो ये थाली मेरी है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसका आनंद लूँगी बिरड़ों का, जो गौरा मैया का प्रसाद है। मैंने इसमें रायता मिला लिया, और रायता मिला के खा सकते हैं ऐसे ही, इसमें प्याज मिला के, और बीच बीच में आप अलग से रायता चम्मच से पी के रायते का स्वाद भी ले सकते हैं। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, हमारे घर में सभी ऐसे खाते हैं, और बहुत टेस्टी लगते हैं हमें। आप भी बनाएं और इनका आनंद लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।